ग्रेटर नोएडा में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में एंड ग्रेट रिटर्न वैल्यू के साथ। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आके रुके हैं। आज की जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ग्रेट रिटर्न वैल्यू मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जॉली यादव, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आई हूँ ग्रेटर नोएडा की लोकेशन पर। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसका नाम है ADS कासा ग्रैंड A2 एंड इसकी लोकेशन रहेगी 4-5 सेक्टर इन ग्रेटर नोएडा। प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करें, उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगी। तो कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है आपको। टू साइड ओपन प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ पर एक सेक्टर रोड रहेगा, प्लस प्रॉपर्टी के दूसरे तरफ पे भी आपका सेक्टर रोड रहेगा। एंड यहाँ से आपको 3 मेजर लोकेशंस बहुत नजदीक मिल जाती है, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे, ये यहाँ से अराउंड आपके 2 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। उसके अलावा परी चौक, यहाँ से मुश्किल से आपको 10 मिनट की दूरी पर मिल जाता है। प्लस अगर हम आसपास की भी बात करें तो नेबरहुड भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड उसके अलावा हम बात करें, जिसकी मैं आपको बता रही थी कि नियर बाय हॉटस्पॉट्स की हम बात करने वाले हैं, तो आसपास आपको रेडिसन ब्लू होटल, ग्रैंड वेनिस मॉल एंड आपको यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल अराउंड 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। प्लस इस प्रोजेक्ट से 10 मिनट के रेडियस में आपका नॉलेज पार्क 2 प्रेजेंट है, जहाँ पर 10 से 12 मेजर यूनिवर्सिटीज इंडिया की वो प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगेन 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। एंड इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर 4-5 एक लो डेंस सेक्टर है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हाई राइज प्रोजेक्ट ही प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर प्लॉट्स भी रहेंगे, दैट मीन्स बहुत ज्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है, छोटा सेक्टर है एंड लिमिटेड यहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट ही है। सो गाइस, ये तो था इस एरिया का ओवरव्यू एंड इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। अब हम अंदर चलते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। आज की जो वीडियो है, इसमें मैं मेजरली यहाँ की रिटेल शॉप्स एंड किंग स्वीट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। आपको यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलने वाले हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट कितने की होने वाली है एंड अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको रिटर्न्स कैसे मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अब इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ADS का प्रोजेक्ट कासा ग्रैंडे 2, उसकी लोकेशन से आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स को भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये आपके 5 एकड़ के लैंड पैच में बना हुआ है। कॉर्नर प्लॉट रहेगा आपका एंड यहाँ पर एंट्री एग्जिट एक ही रहेगी, उसमें आपको 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी। प्लस यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ 5 टावर रहेंगे 5 एकड़ के लैंड पैच में, जिनमें की 4 रहेंगे आपके रेजिडेंशियल टावर्स। इनमें आपके 2 M3 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 65 लाख ओनली। बट इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके साथ मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा यहाँ पर स्वीट्स एंड रिटेल शॉप्स पर। तो जो आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट टावर रहेगा, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपके लिए रहेंगी रिटेल शॉप्स एंड फर्स्ट टू 16th फ्लोर, क्योंकि इसकी जो इस टावर की हाइट है वो 16th फ्लोर तक रहेगी। तो फर्स्ट टू 16th फ्लोर यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे स्वीट्स एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स। रिटेल स्पेसेस की पहले बात कर लेते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर आपके पास 25 रिटेल शॉप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बहुत ही लिमिटेड शॉप्स हैं, जो कि इस पूरे एरिया एंड इस सोसाइटी की जो डेली नीड्स हैं उनको कैटर करेगी। एंड रिटेल स्पेसेस की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा साइज यहाँ पर रहेगा 297 स्क्वायर फीट एंड इससे बड़ा भी साइज आप ले सकते हैं, वो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सोसाइटी शॉप्स की एक और अच्छी चीज ये है कि ये इनकी विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, फ्रंट की आपकी सारी शॉप्स हैं एंड यहाँ पर आपको 16 फीट की सीलिंग हाइट मिल जाती है, दैट मीन्स ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड अंदर से भी आपको सीलिंग हाइट बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर शॉप्स में मिल रही है।
यहाँ के DSP को भी डिस्कस करें तो रिटेल स्पेसेस में अभी एट प्रेजेंट 32,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। बट गाइस ये रेट इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है, तो अगर आप 6 महीने बाद ये वीडियो देखते हैं देन प्लीज आप समझिएगा, क्योंकि उस टाइम तक रेट रिवाइज हो चुके होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्वीट्स एंड स्टूडियोज की। तो लेट मी टेल यू, स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ के कम्प्लीटली सोल्ड आउट है एंड अभी सिर्फ इन्वेंट्रीज बची है, तो वो है सिर्फ किंग्स स्वीट्स में। तो किंग्स स्वीट यहाँ का 611 स्क्वायर फीट के साइज में रहेगा एंड फुली लोडेड ये आपके स्वीट्स रहेंगे, जिसमें कि आपको 20 आइटम्स मिल रहे हैं। एंड यहाँ का जो आपका प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो प्राइस जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैं सोसाइटी की बात करती हूँ तो काफी अच्छी सोसाइटी है, ABS का प्रोजेक्ट है एंड अंदर रेसिडेंस के लिए सारी चीजें मौजूद रहेंगी, क्लब हाउस रहेंगे, प्रॉपर ग्रीन एरिया रहेंगे एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है एंड बहुत तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फर्स्ट टावर है उसका पोजीशन इसी साल दिसंबर में मिल जाएगा, दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये सारी चीजें ऑपरेशनल यहाँ पर हो जाएगी, सोसाइटी शॉप्स का पोजीशन दे दिया जाएगा एंड यहाँ पर स्टूडियो एंड स्वीट्स में लोग रहना शुरू हो जाएंगे। एंड गाइस मैं आ चुकी हूँ आपके किंग स्वीट के अंदर, जो कि आपका होम ऑटोमेशन फीचर्स के साथ आता है, प्लस ये फुली लोडेड स्वीट रहेगा। होम ऑटोमेशन में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं तो वो बातें कर लेते हैं। सो गाइस दिस इज द मेन एंट्री गेट ऑफ दिस स्वीट एंड यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉक मिल जाता है, जिसको आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कीज के साथ एक्सेस कर सकते हैं, इसमें आप स्मार्ट लॉक लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट के साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं एंड जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं तो आप एंटर हो जाते हैं यहाँ के ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया में। तो ये पूरा एरिया रहेगा यहाँ का लिविंग एरिया, जहाँ पर आप ये सोफे डले देख सकते हैं, तो ये बाद में रिमूव नहीं किए जाएंगे, ये सोफे यहीं पर रहेंगे। प्लस गाइस आपके ड्रॉइंग एरिया में एक बालकनी भी प्रेजेंट है, तो ये रहेगा आपके बालकनी का एक्सेस। आप बालकनी में देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छे खासे साइज में यहाँ पर आपकी बालकनी प्रेजेंट रहेगी, तो यू नो आप शाम को एक अच्छा यहाँ पर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। जो आपके फ्रंट साइड के जो स्वीट्स रहेंगे उनका व्यू रहेगा आपका रोड का एंड जो आपके दूसरे साइड के जो स्वीट्स रहेंगे उनका व्यू रहेगा पार्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुली लोडेड किंग स्वीट है, तो यहाँ पर आपको 20 आइटम्स हम दे रहे हैं जो कि सेम एज इट इज यहाँ पर रहेंगे, जिनमें से कि आपके सोफे एक हैं एंड द लिस्ट ऑफ 20 आइटम्स इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। प्लस लाइक आई वाज सेइंग कि ये रहेगा आपका लिविंग एरिया, इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका डाइनिंग एरिया का स्पेस, तो ये बहुत ही क्यूट सा एंड उजी सा आपका डाइनिंग एरिया रहेगा। प्लस आप यहाँ पे लाइटिंग एंड ऑल देखिए, फैंस आप देखिए, सब सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है, सारी चीजें प्रेजेंट है, डिजाइनर यहाँ पे लाइट्स रहेंगी एंड विद दैट आप देखिए तो ये डाइनिंग एरिया था एंड इसके पीछे भी रहेगा आपका किचन का स्पेस, तो ये पूरा किचन स्पेस भी आपका सेम एज इट इज रहेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, तो आप यहाँ पर देखें तो एक विंडो प्रेजेंट है फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। उसके नेक्स्ट आपका RO रहेगा, ये आपको वॉशिंग एरिया रहेगा, यहाँ पर आपके पास माइक्रोवेव एंड इंडक्शन का स्पेस है जिसमें कि आपकी केटल रहेगा, तो ये सारी चीजें ये जो भी यहाँ पर आप चीजें यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी आपकी इंक्लूडेड रहेंगी एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द डेकोरेशन आइटम्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो भी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे सेम आंसर रहेंगे एंड आप ये स्टोरेज का एरिया भी देख सकते हैं, तो काफी अच्छा यहाँ पर स्टोरेज का एरिया है। प्लस आप ये काउंटर भी देखिए, तो ग्रेनाइट का यहाँ पर काउंटर है, काफी अच्छी यहाँ पर चीजें यूज की गई हैं, आपको यहाँ पर भी टाइलिंग लगा के दे रहे हैं। सो ओवरऑल इस एरिया का लुक वाइज काफी अच्छा लुक यहाँ पर आ रहा है एंड बहुत ही प्यारा सा ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया कोजी स्पेस यहाँ पर आकर रहेगा। एंड दिस इज द बेडरूम ऑफ दिस किंग सुइट, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड काम वाइब है। आप यहाँ पे इंटीरियर देखिए, बहुत ही यू नो लाइट इंटीरियर रखा हुआ है एंड ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसे काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। प्लस आप यहाँ का आप रूम का साइज भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे साइज का बेड लगाया हुआ है, उसके बाद भी दोनों तरफ इज सफिशियंट स्पेस फॉर मूवमेंट। बस आप ये चीज देखिए, काफी ज्यादा वेल लिट रूम रहेगा आपका, यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी एक विंडो प्रेजेंट रहेगी जिसकी वजह से आपके रूम में नेचुरल लाइट रहेगी, प्लस
वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा एंड विंडो के ऊपर आप देखो तो यहाँ पर एसी रहेगी, यहाँ पर आपकी एलईडी टीवी है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड एंड विल बी हियर सेम एज इट इज। एंड इस तरफ आप देखें तो ये रहेगा आपका वार्डरोब एरिया, ये वार्डरोब भी फिट करके दी जा रही है आपको। सो लेट्स चेक आउट दिस स्पेस। तो आप ये वार्डरोब के अंदर का स्पेस भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। आई मीन फॉर वन पर्सन दिस वार्डरोब इज मोर देन इनफ। एंड इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका वॉशरूम एंड आप देख सकते हैं ये आपके सेंसर लाइट्स के साथ है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर हो गए लाइट्स अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएंगी। प्लस वॉशरूम के अंदर का स्पेस भी देखिए, काफी ज्यादा अच्छा स्पेस है। यहाँ पर एक विंडो प्रेजेंट है प्लस शावर एरिया आपका सेपरेट यहाँ पर रहेगा। प्रॉपर यहाँ पर टाइलिंग रहेंगी आपकी, विट्रीफाइड टाइलिंग प्रॉपर यूज की गई है फुल वॉल लेंथ तक एंड सेरामिक टाइलिंग आपकी यहाँ पर रहेगी फ्लोर पर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका गीजर भी फिटेड रहेगा प्लस दिस मिरर दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड विल बी हियर सेम एज इट इज। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज प्रोजेक्ट एटीएस कासा ग्रैंडे 2 जिसकी लोकेशन थी ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4-5। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको यहाँ का ये स्वीट कैसा लगा हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। प्लस अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई ओपिनियंस है कुछ सजेशन है तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, उन्हें भी आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब क्योंकि हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ यूएसपीज बताना चाहूंगी। तो एटीएस कासा ग्रैंडे 2 की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी लोकेशन, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर ये स्थित है। यहाँ से दिल्ली इज एनसीआर के 3 मेजर स्पॉट्स यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे एंड परी चौक सबके सब बहुत ही नजदीक है। यमुना एक्सप्रेसवे एंड नोएडा एक्सप्रेसवे तो यहाँ से मुश्किल से आपके 2-3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। परी चौक जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स इन एरियाज में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसके लिए ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। वो यहाँ से इजिली कम्यूट कर पाएगा, इजिली ट्रेवल कर पाएगा एंड अप डाउन कर सकता है। सो ये एक बड़ी यूएसपी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि यहाँ से नॉलेज पार्क आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इस लोकेशन से आपके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर आपको 10-12 यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में आपको रेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जी हाँ, अगर मैं रिटेल स्पेसेस की ही बात करूं तो यहाँ पर इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट, हमारी सोसाइटी के बिल्कुल ही नेक्स्ट अभी एट प्रेजेंट पूर्वांचल रॉयल सिटी है जिसमें कि अराउंड आपके 2200 फ्लैट्स हैं। सो जस्ट इमेजिन 2200 फ्लैट्स में आपके कितने रेसिडेंट्स रहेंगे एंड उन सब के लिए उनकी नीड्स के कैटर करने के लिए ये सोसाइटी शॉप्स रहेंगी। प्लस यहाँ पर भी जो हमारी इस सोसाइटी में लोग रहेंगे एंड अगर मैं 500 मीटर्स के रेडियस की बात करूँ तो यहाँ पर अराउंड 30,000-40,000 लोग रहेंगे इन कमिंग 5 ईयर्स जिनकी। तो आप यहाँ पे इन सोसाइटी शॉप्स की वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं रेंटल इनकम की एक अप्रॉक्स आइडिया दूं तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर अराउंड 60,000 पर मंथ की रेंटल वैल्यू मिल जाएगी रिटेल शॉप्स पर। स्वीट्स की हम बात करें तो आज के टाइम पे यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से अराउंड 25,000 की रेंटल वैल्यू मिल जाएगी इस किंग स्वीट की। एंड जैसे कि मैंने इसको डिस्कस किया है तो मैंने आपको वीडियो में पीछे बोला था कि मैं इसका प्राइस आपको एंड में डिस्क्लोज करूंगी। तो गाइस ये किंग स्वीट आपको सिर्फ और सिर्फ 45 लाख में मिल रहा है, फुली लोडेड रहेगा, आपके सारे आइटम्स हैं वो सारे सेम एज इट इज रहेंगे। आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नो आपको ये खरीदना है एंड यहाँ पे सीधा शिफ्ट हो जाना है अपने कपड़ों के साथ। सो गाइस ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो वहां पर आज के टाइम पे बहुत ही हाई रेट्स हो रखे हैं, बट आपकी नोएडा एक्सप्रेसवे भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वही अगर मैं इस लोकेशन को कंपेयर करूँ तो यहाँ से आईटी हब भी आपके नजदीक है, 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आईटी हब है। बाकी की चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नोएडा एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल रहा है, प्लस ग्रेट रिटर्न्स है आपके पास, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स है इस प्रोजेक्ट के एंड कम पैसों में आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ले सकेंगे अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। सो गाइस अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या फिर यू नो यहाँ पर
कोई भी आप रिटेल स्पेस या फिर सुइट बुक करना चाहते हैं तो जल्दी से हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड गाइस, हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है देन गिव अस अ लाइक बटन, गिव अस अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सब्सक्राइबर्स। हम आपके एनसीआर रीजन के जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। And with that, I'll see you in some other video. Till then, bye-bye and take care.